आपके बीच में हाजिर हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ूं और जहां से तार जोड़ना है वो ये कि आरएसएस के चीफ मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई वहां वहां समस्या पैदा हुई। उसके सामने बरक्स सामने एक बयान आया, वो एमआईएम का था कि हमारे पड़ोसी मुल्क दोहा हो, कतर हो, दुबई हो, ओमान हो, हिंदू भाइयों पर मुस्लिम अत्याचार नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान में गुजरात समेत कई जगह जुल्म की इंतहा हो गई। और आज का मुद्दा यही है। मेहमान जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराऊं, उससे पहले जो मुद्दा है उस तरफ निगाह डाल लेते हैं, बाइट्स में क्या है, उसके बाद मेहमानों की ओर रुख करते हैं। मोहन भागवत जी, अपनी बात बेहतर यही होगा कि क्लियर करें। मुझे तो यही लगता है कि जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है वहां वहां मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा क्रास है। आज जब उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता मांग रही है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वही मोहन भागवत जी जो कौमी इत्तेहाद की बात करते रहे, आज वो धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। मोहन भागवत जी का ये बयान अपने आप में दोहरे चरित्र को दर्शाता है। कभी कहते हैं कि अल्पसंख्यक यही की संतान है, एक पिता की संतान है, और कभी कहते हैं कि जहां जहां हिंदुओं की आबादी कम हुई वहां समस्याएं होती हैं। भाई भागवत साहब, तय कर लीजिए, देश की असली समस्या अशिक्षा की है, बेरोजगारी की है, किसानों के काले कानूनों की है, महिलाओं के सम्मान की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, अब सांप्रदायिकता के बीज बोने बंद कीजिए। हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं उनका मैं तारुफ करा देता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आचार्य प्रमोद किशम कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वारिस पठान एमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। संगीत रागी जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे और फैजान खान बीएसपी के नेता हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। संगीत रागी साहब की तरफ मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले कि ये बयान किस तरफ कहता है और क्या कहता है और क्यों कहता है कि जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई वहां समस्या पैदा हुई। संगीत रागी जी की तरफ एक बार रुख करना चाहूंगा, फिर से मेहमानों की तरफ। मोहन भागवत जी, अपनी बात बेहतर यही होगा कि क्लियर करें। मुझे तो यही लगता है कि जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है वहां वहां मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा क्रास है। आज जब उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता मांग रही है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वही मोहन भागवत जी जो कौमी इत्तेहाद की बात करते रहे, आज वो धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। मोहन भागवत जी का ये बयान अपने आप में दोहरे चरित्र को दर्शाता है। कभी कहते हैं कि अल्पसंख्यक यही की संतान है, एक पिता की संतान है, और कभी कहते हैं कि जहां जहां हिंदुओं की आबादी कम हुई वहां समस्याएं होती हैं। भाई भागवत साहब, तय कर लीजिए, देश की असली समस्या अशिक्षा की है, बेरोजगारी की है, किसानों के काले कानूनों की है, महिलाओं के सम्मान की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, अब सांप्रदायिकता के बीज बोने बंद कीजिए। मैं सीधे प्रोफेसर रागी के पास जाना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं उनसे कि ये बयान जो है जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई वहां समस्या पैदा हुई, इसका मंतव्य क्या है, इसका मतलब क्या है और समस्या कौन सी है जो पैदा हो रही है और उसकी जड़ क्या है, मैं जानना चाहता हूं, फिर उसके बाद में डिबेट को खोलना चाहूंगा। जी देखिए प्रतीक जी, मुझे लगता है कि एक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते थे स्वयं सिद्ध प्रमेय, उसको आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो अपने आप में प्रमाणित होता था। तो यह भी एक सच्चाई है इस देश के लिए और ये परम पूजनीय हेडगेवार जी ने भी इसकी बात की थी कि
हिंदू इस देश की मूल आत्मा है, मूल चरित्र है, और मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि यह हिंदू राष्ट्र ही इसीलिए है, इसकी प्रकृति हिंदू है। और प्रकृति जब हिंदू है तो इसका मतलब वो सर्वसमावेशी होगा। लेकिन ये सिर्फ मेरे सर्वसमावेशी हो रहने से बात नहीं बनेगी। यदि दूसरा सर्वसमावेशी नहीं होगा और दूसरा दूसरे को दूसरा धर्म कहेगा कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं, यदि तीसरा धर्म कहता है कि मेरे अतिरिक्त कोई नहीं, तो एक सर्वसमावेशी धर्म का टकराव ऐसे धर्म से हो रहा है जिसने पूरी मध्य एशिया को, पूरी एशिया को रक्तपात से, खून से लाल करके उसको इस्लाम में कन्वर्ट। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो बताएं मुझे कि कहां पे परेशानी खड़ी हुई है। मैं इसी बात को पूरा एक परिपेक्ष देख लिया, आपके दर्शक बहुत पसंद करते हैं, मैं पूरा एक देख लीजिए। क्रिश्चियनिटी गया, जहां जहां क्रिश्चियनिटी गया उसने होमोजेनाइज किया, सारे सारे को कन्वर्ट किया। आप देखेंगे कि इसे पाकिस्तान किस आधार पर बना था, धर्म के आधार पर ही बना था, वो सब हमारे ही बंधु थे। और ये बात सिर्फ हमने नहीं की, गांधी जी भी अक्सर यही कहते थे कि 80% से ज्यादा आबादी जो है वो हिंदुओं से कन्वर्ट करके गई है। और एक बढ़िया है कि नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है। तो जिन लोगों ने कन्वर्ट किया, जिनके तीन सौ साल जिन हिंदुओं के पुरखों ने मजबूरी में, रक्तपात के डर से, प्रलोभन के डर से इस्लाम में कन्वर्ट किया, वो इस्लाम के सबसे बड़े प्रतीक स्वरूप बन करके आए। और उन्होंने पाकिस्तान की मांग इस बात पर रखी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। चलो 23% की आबादी ने 35% जमीन पे पाकिस्तान बनाया। अब बचे हुए हिस्से में जहां जहां मुस्लिम आबादी है वो सारे सेंसिटिव हो, आज फिर 70 साल बाद सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको हम मिनी पाकिस्तान की दर्जा देते हैं। और सिर्फ यही की बात नहीं है, राइट सर मैं इसी सेंटेंस को ले लेता हूं, मिनी पाकिस्तान को मैं इसी 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 सेंटेंस को ले लेता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो 35% जो भूमि थी उस पर 23% चले गए, और उसके बाद जो रह गए उन्होंने मिनी पाकिस्तान बनाया, और यही परेशानी की सबब है जिसको कि इस वक्त संगीत रागी जी कह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रतीक जी पहली बात तो ये है कि भारत लगभग 800 साल मुगलों और 200 साल के लगभग अंग्रेजों के गुलामी में रहा। भारत पर इन लोगों का राज रहा, ये किसी से छुपा नहीं है कि तैमूर लंग, नादिर शाह, चंगेज खां ये एक लुटेरे थे, आक्रांता थे, वहाँ से आते थे, लूट खसोट करते थे और चले जाते थे। उसके बाद बाबर ने यहाँ साम्राज्य स्थापित किया, फिर बाबर के साथ मुगलिया सल्तनत का शुभ आरंभ हुआ, और मुगलिया सल्तनत की शुरुआत होने से लेकर के उसमें अलग अलग लोधी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, ये वंश वो वंश, तमाम तरह के लोग बादशाह रहे। और बादशाह रहने के बाद में वो जब यहाँ से उनका अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारत पर साम्राज्य स्थापित किया। अब सवाल उठता है कि जो बात 500 साल पहले अगर किसी ने कुछ गलती की, किसी ने तलवार के दम पर धर्मांतरण किया, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, तो वो तो 500 साल पहली बात है ना। बाबर की गलती हुई, औरंगजेब की गलती हुई, तो सज़ा जो है वो आज के मुसलमान को क्यों देना चाहते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है, आज के मुसलमान को, जिस मुसलमान का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, जिस मुसलमान के पुरखे हिंदुस्तान के हैं, जो मुसलमान हिंदुस्तान की